नाम के काम देखो जी, फर्श के पे चढ़ा हुआ है और मजे से ये शतूत खान लग रहा है। मोहम्मद इनाम, मीठे हैं, मीठे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? हैं? अच्छा दुआ तो मांगो, अच्छे दुआ मांगो काका। दुआ नहीं मांगता? दुआ मांगो। कैसे दुआ मांगते हैं? अम्मा जी के लिए? अम्मा जी के लिए दुआ मांगो, बड़ी माँ जी के लिए दुआ मांगो। ऐसे मांगते हैं मुनीब इनाम, ऐसे हाथ उठाते हैं, हाथ उठा के दुआ मांगो। ओए शद के ओए, कौन सी दुआ मांग ली? कौन सी दुआ मांगी है? सबके लिए मांगी आपने दुआ? सब बच्चों के लिए दुआ मांग ली आपने? अच्छा चलो जी, आप खा लो जी, चलते हैं जी आपकी खाला के पास, देखते हैं आपकी खाला क्या काम कर रही हैं। और माशाल्लाह शतूत भी दे सकते हैं। माशाल्लाह जी, दरख्त ना काफ़ी हरा भरा हो चुका है और ये नीचे भी इतने सारे गिर जाते हैं यहाँ पे जी। हाँ जी, क्या हुआ इनाम? आपकी खाला कहाँ गई है? कमरे में। माशाल्लाह देख सकते हैं जी, कितने प्यारे कुदरती फूल निकलते हैं, कुदरती खुद ही निकल जाते हैं, फिर खुद ही इस तरह यानी कि अभी शाम होती है फिर ये मुरझा जाते हैं, और जैसे ही धूप निकलती है ये फिर माशाल्लाह जी धूप की तरह खिल जाते हैं। और इस साइड पर रुकिया सर की नाली है, नलके का पानी दे जाता है, फिर ये खुद पे उधारे भरे हो जाते हैं। और ये रुकिया सर भी सामने की तरफ खड़ी है और बच्चे मुझे लग रहा स्कूल से आ रहे हैं। मुनीब तो आ गया, बाकी मोटरसाइकिल पे आएंगे। हाँ। क्या करें मम्मा जना? ये कह रहा मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा नीचे करनी है, मैं वैसे ही यहाँ पे बस घूमती रही यहाँ पे ढूंढती रही हूँ रहती हूँ। हाँ, और उस दिन नीचे आऊँ सी थी ना, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे खड़ी। हाँ जी, बच्चों को भी देखते हैं, बच्चों का भी टाइम हो रहा। हाँ जी, फिर आ जाएंगे थोड़ी देर में। चलो जी वहाँ पे चलते हैं जी। हाँ जी, थोड़े से ना बेर तोड़ के लाते हैं अगर मिलते हैं तो। तरफ गए थे तो वहाँ से हम होके आ गए हैं, काफ़ी देर गए थे, बस थोड़ी देर ही बैठे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी भांजी की, पता करके आए हैं। और घास देखो जी माशाल्लाह जी, कितना बड़ा बड़ा सारा हो रहा है। और मोहम्मद इनाम क्या कह रहे हैं? मैं नीचे उतार दो, डोगी भी पीछे लगेगा फिर कोई सिस्टर नहीं लगता। चलो जी चलते हैं जी इस साइड पर, ये भी सारी माशाल्लाह जी, जब इस पे छलियाँ हो गएंगी फिर और भी मज़ा आएगा। हाँ जी, छली वाली है ना, मकाई छली वाले। चलो जी चलते हैं जी, चले हैं। घास अभी ना छोटा छोटा है, अभी जब घास काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना फिर गाय को इंशाल्लाह जी तोड़ तोड़ के ना फिर गाय को डाल लेंगे। हाँ जी हाँ जी, सर्दी में तो आपको पता सड़ जाती हर चीज़, पौधा घास सड़ जाता है। ये नाम कह रहा मुझे पौधा तोड़। बच ठीक हो गया? कह सकते हैं पेमती बेर माशाल्लाह, कितने ज़्यादा माशाल्लाह लगे हुए हैं। और एक पेमती बेर ये नीचे गिरा है और ये मोहम्मद इनाम को देती हूँ। ये वाला जी अभी भी गिरा है, ये लो इनाम। ये भी खाना नहीं आपने? मुनी बेटा जी जानने लग रहा है और नीचे गिरने लग रहा है, काफ़ी सारे गिर गए हैं जी। और जी वो देखो जी, ये और मोटा 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 मोटा, जल्दी जल्दी हिलाओ, शाम को रोज़ा इसी से खोलेंगे। वो गिर गया, वो गिर गया। बारिश कर दो, बारिश 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 हो रही है जी, बारिश हो रही है ना, रुकिए सटा बारिश। पीछे ही पड़े, कब सारे गिर गया नीचे, कितना मज़ा आ रहा है ना। रुकिए सटा, किस्मत वालों को मिलती है, दरख्तों के नीचे मजे से बैठते हैं, मजे से छाँव होती है। इनाम ये ख़राब है बेटे, बड़ा बड़ा सा गिर गया ना। इतने बच्चे आते हैं ना यहाँ पे जी बेड़ तोड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं। चलो जी नाम बेर खाने अपने। एक मोटा सा बेर आया और रुकिया सिस्टर के सर में पटक कर गया। बच्चे इतनी दुनिया आती है ना, बहुत ज्यादा दुनिया आती है। हाँ जी ये वाला, ये लो जी तीन बेर हो गए, ठीक है। चलो मोहम्मद इनाम तो खाएगा ना बेर। कच्चे हैं मुनी बेटा, सर में ना मार देना बेटा, पता लगा सिर में ठाल आ गया और खून मखून हो के जाए घर। और देख के एक भी नहीं टूटा, पत्ते ही गिरे हैं, कोई फायदा ही नहीं। स्कूल से आ गए हैं मुनीब सना और माशाल्लाह जी, और बच्चे भी काफ़ी, अपने बच्चे सारे आ गए। और ये देखो जी, ये है अनार का पौधा, इस पे देख फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे टहने इधर लटके हुए हैं। और एक ये बड़ा पौधा है अनार का, काफ़ी सारे लगे हैं यार, कितना प्यारा लग रहा है। रुकिए सिस्टर, अरे अरे कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, कलर देखो इसका कितना प्यारा है, रेड कलर है, रेड कलर है, बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से।
और ये भी मुझे लग रहा है शतूत है, ये वाली टहनी लंबी सी, और उस साइड पे भी शतूत लगे हैं। चलो जी उधर के भी शतूत दिखाते हैं अपने प्यारे बहन भाई को। चला जी वो वाला भी मैंने आपको अनार का पौधा दिखाया है, और ये माशाल्लाह छोटा सा इनका गाँव है, इनके इन्होंने घास वगैरह साग वगैरह जब लगाते हैं, जब मौसम होता है हर चीज़ मौसम के हिसाब से होती है रिक्वेस्ट। और इस पे जी शतूत लगे हैं, ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ इधर हमारे बल्कि लाल लगे हैं, और ये हैं मुझे लग रहा है ये खट्टे मीठे हैं, खट्टे मीठे हैं ये। इधर भी लगे, हाँ वो वाला भी लगे हुआ, और वो भी उधर भी वहाँ भी वो बेर लगे हैं, वो भी वो जड़े बच्चों ने आपके पता जड़ा भी आता जाता है, बेर खाता है। सही, चलो जी फिर चलते हैं जी, असर की अजानें भी शुरू हो रही हैं, असर की आ रही जहर की अजानें भी हो रही हैं, जाके अपनी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, जो काम है फिर वो भी करते हैं, और फिर सोचते हैं जी क्या बना रहे। भी मेरे सर में लग जाता बट्टा, ना करो मैं बीमार होंगे आपके, ना करो वो भाई बोलेंगे ना करो, नुकसान नहीं किसी का करना होता। चलो जी तो हम चले जो तीन का टाइम उठ चुके, मैंने कहा मैं फटाफट मैं अफतारी का सामान बना लेती हूँ। आज ही बना लग रही मैं चने, चने की दाल और करेले, क्योंकि ये सर्दियों की गर्मियों की सॉरी गर्मियों की पहली यानी कि मैंने मैंने ये रेसिपी मैंने बना लग रही हूँ, तो मैंने कहा फटाफट ना यहाँ पे जी मैंने करेले भी अच्छी तरह से लिए थे, ये देखो हरे हरे बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश, और ये करेला भी बहुत महंगा मिला है, 200 रुपये मेरा ख्याल मिल 200 रुपये पता नहीं किलो किस बता दे नीम के पापा लेके आए हैं। तो अभी मुनीत के पापा गए, मैं उधर अम्मी जान के पास गए हैं, वहाँ पे गए के लिए घास करने के लिए गए हैं, तो कहते हैं आते हुए ना फिर प्याज लेके आऊँगा, क्योंकि प्याज ख़त्म हो गए थे ज़्यादा पता है करेलों में तो प्याज तो कुछ ज़्यादा ही गिरते हैं, तो मैं कहा यहाँ से फटाफट ना करेले काट लेती हूँ, फिर इसके बाद नमक लगा के इन्हें रख दूँगी ताकि ये रखे रहेंगे, फिर जो इनका कड़वा पानी है वो सारा निकल जाएगा। फिर ये रुपया सिस्टर तो बारी फातिमा की तरफ गई हुई है, तो मैं तो सोई भी थी दोपहर के टाइम, तो मुझे नहीं पता फिर वो चल गई है, तो मैंने शौकत भाई के पास कॉल करी, तो शौकत भाई से पूछा मैंने कहा हाँ जी आप कहाँ गए, कह रहे हम तो जरा पी आए हैं, तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, कह रहा नहीं वो ना मुझे ना मनीष के पापा का मैंने बता दिया था कि हम भाई फातिमा की तरफ जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, दिल जारी बात है बंद इंसान रह रह के बोर हो जाता है, तो नहीं करता बंदा फिर बाहर निकलने के लिए बाहर जब जाए, तो बस अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में, तो वो फिर इंशाल्लाह अपना खाना वगैरह जो बनाएंगी अपना फटाफट बना लेंगी। तो मैं तो यहाँ पे करेले बनाने लग रही हूँ, प्रिया ससुर का मुझे पता नहीं है वो क्या बना रही हैं, क्या रही थी शायद फुल्कियाँ, देखो अब आगे पता है नहीं फुल्कियाँ नहीं या दाल पकाएंगे या फुल्कियाँ शायद कुछ बनाएंगे, चलो जो भी बनाएंगे बनाना तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने करेले वगैरह भी अच्छी तरह काट ली हैं, और मैंने वहाँ पे चूल्हे पे दाल भी रख दी है उबलने के लिए, उबलने लग रही है, तो मैंने कहा यहाँ पे फटाफट मैं बना मैंने करेलों पर नमक लगा लेती हूँ ताकि जो इनका कड़वाट पड़ना अच्छी तरह निकल जाए, और आपको पता कड़वे करेले होते हैं ना, और अब जी जो करेले हैं ये बीज को मैंने भी बीज कह रही है छिलकों का मैंने भी नमक लगाया, अब जी मैं लगाने लग रही हूँ करेलों को, बस नमक लगा कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह इनका जो कड़वाट पड़ना सारा निकल जाएगा, पहले से ना मसल लेती हूँ अच्छी तरह, पक तो वैसे थोड़े ही जाएंगे अभी तलाई होगी जरा सी हो जाएंगे पकोड़े, और मुनीत के पापा गए थे अम्मी जी के पास करेले ये पकोड़े करेले 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 आप पकोड़ों का कह रहे हो, बस मेरे मुंह से निकल गया बस ना, असल में ना अब तैयारी का टाइम थोड़ा सा रह गया ना, बस जहन से ही नहीं रह रहा क्या क्या कह रही हूँ और क्या नहीं कह रही, तो बस ये यहाँ पे जी मैंने फटाफट ये कर लिया, तो अब जी से रख देती हूँ थोड़ी देर वास्ते। हाँ मैं बता रही थी नीत के पापा गए थे, तो अम्मी जी ठीक थी आप? हाँ जी ठीक है, अम्मी बस अम्मी काम वगैरह कर रही थी। सही अम्मी ने रोजा रखा हुआ है। हाँ जी ठीक है, चलो जी मैंने तो नमक लगा दिया, अब इसे रख देती हूँ इसके, देखो जी अभी नमक लगाया और कैसे देखो कड़वा पानी कड़वा कड़वा पानी निकल रहा है इसके अंदर, मैं कर देती इसका कड़वा पानी इसके अंदर चला जाएगा, अलग अलग कर देती हूँ ताकि एक दूसरे का पानी मिक्स ना हो। और ये प्याज लेके आए, प्याज भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, तो अब ये प्याज काटती हूँ। करेले हाँ जी करेलों के छिलके हैं जो मैंने नमक लगा के रखा था, मैंने कहा अच्छी तरह ना धो लेती हूँ, सही करवाड़ पान सारा निकल गया है, तो सारा सामान वगैरह मैंने चूल्हे पर रख दिया, और चलो ये दाल भी तकरीबन हो चुकी है, तो सारा कुछ मैंने काट ही लिया है, लहसुन अदरक टमाटर टमाटर हर चीज़ मैंने काट ली है, तो बस मैंने कहा दाल को धो लेती हूँ, तो
उसके बाद भी अब जी ये वाले करेले ये भी धो लेती हूँ। अभी हमने सिस्टर की कॉल आई थी तो मैंने हमने तो समझा आपने पका लिए होंगे करेले। बनाए थे टाइम लगता है हर चीज बनाने में, एकदम थोड़ी बनता है। अच्छा की बारी फातिमा की तरफ आप चले गए जी। हाँ क्या बात नहीं, क्या कहना, वो बस और परेशान से फिर रही थी भाई, जिम्मेदारी डाली हुई है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। अच्छा अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जाने। अच्छा कहते हैं ना हर चीज का टाइम होता है जी। हां हर चीज का टाइम होता है, टाइम पे होती है, जिसका टाइम हो गया वो चीज हो जाएगी, पता नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा जी। हां चलो अल्लाह करे इंशाल्लाह की दुआ करेंगे, इंशाल्लाह की बारी फातिमा का जो काम रह रहा है इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और बारी फातिमा मैं भी बेटा समी बेटा ठीक थी जी। हां सब ठीक ठाक थे, सलामता दे रही थी। चलो जी ठीक है जी, मैं आ देखते हैं छुपा लो लिया मैंने अपनी जाती चूल्हे पे और जाके भाई इन्हें पहले भी खुश करते जी। हाँ चलो अलहमदुल्ला से यहाँ पे जी केले मैंने अच्छी तरह धो दिए थे तो मैंने घी भी गर्म कर लिया, तो बीच में डाल दिए छोटी कढ़ाई में, फिर बड़ी कढ़ाई में यानी कि भैया मसाला वगैरह बनाऊँगी, फिर उसके अंदर ये करेले तल जाएंगे, फिर उसके अंदर डाल दूँगी मैं। और यहाँ पे सारा मैंने मसाला वगैरह बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे प्याज भी काटे हुए हैं, और ये है ये भी मैंने खुशक हो चुका है इसे भी मैंने रख दिए, और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रखा हुआ है, सारे यानी कि मैंने खुशक मसाला वगैरह सारे कुछ रख दिए मैंने, ताकि मैंने कहा फटाफट ना अपना जो काम है फटाफट कर लेते, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह रहा होगा। खुले में अभी 5 बजे हैं, आधा घंटा रह रहा, आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने ये काम अपना जो करना है फटाफट कर लिया। जल्दी ना जरा इनसे लकड़ी और मंगाती हूँ ताकि आग थोड़ी तेज करती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। सुना जी बहुत ज़्यादा दिमाग खा रखा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, और शौकत भाई को पता नहीं बच्चे क्या कहने लग रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे पापे लेके आया सुबह के लिए। अच्छा अच्छा मैंने स्कूल जाती है ना, मैंने कहा चलो खा पी के चल जाते हैं। हाँ जी सही है ठीक है जी। और यहाँ पे जरूर पियस्टर लगी हुई है जी, है हाथ जल गया जी, कपड़े से पकड़ो ना। आलू बने रखे हुए मैंने, तो चलो दही वाले बना लेते हैं आज। अच्छा दही वाले बनाए जी, चलो जी नगा करो जी आज खाने पकाने का जी, बस दही वाले खा के। हाँ जी बंदा ना पका पका के ना बंदा तंग आ जाता है, समझ नहीं आती भी क्या बनाए क्या ना बोला, क्या बनाया बंदा क्या। सही बात है सही बात है, खाना भी होता है टेंशन भी, टेंशन भी होती है। हाँ जी सही है जी, चलो ठीक है जी आप ये बना लेते हैं, चलो उससे रोटी वगैरह बच्चे खा लेंगे। हाँ जी सही है, साथ में पकौड़े समोसे ये बात तो चीज़ें आपके पास रोज ही फिर होते हैं। ठीक है चलो जी, ठीक है जी आप आग तेज चलाओ, आग आपकी बहुत मंदम मंदम। हाँ जी चलो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ, मैं भी मैंने वो करेले रखे हुए हैं तल रहे हैं, तो सना बेटे को उठा के मैंने कहा ज़रा देख ख्याल करना, मैं अपनी खाला का ना ब्लॉग बना के आ जाती हूँ। अलहमदिल्ला से मैंने करेले भी यहाँ पे हल्के हल्के से ब्राउन कर लिए, और ये वाले छिलके वाले ये भी ब्राउन कर लिए हल्के हल्के से कर लिए, तो अब जी यहाँ पे ये मैंने कहा प्याज मैं फटाफट हल्के हल्के से ब्राउन कर लेती हूँ, उसके बाद ये मसाला वगैरह जो बना के रखा लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह वो फिर बीच में ऐड कर दूँगी मैं, तो बस ज़्यादा नहीं मैं हल्के हल्के से मैंने ब्राउन कर लें, आज मैंने कहा थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ ताकि मैं फटाफट खाना बन जाए, फिर उसके बाद आटा भी गूंदना है और फिर रोटी भी बनानी है। मैंने चने की दाल भी यहाँ पर उबल गई है, हाँ जी क्या हुआ। अच्छा जी चलो जी ठीक है जी, इनाम से वो इनाम ने जो सामान लिया हुआ इनाम सब सामान ले लो, फिर ताकि मैं ये अपना फटक फटक ये काम कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, चने की दाल करेले बिल्कुल रेडी चुके हैं, और इसे मैं बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब मैंने कहा फटाफट यहाँ पे आटा गूंद लो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रहे फटाफट आटा गूंद लेती हूँ। कुछ आटा बच्चा अभी भी रखा हुआ है, और कुछ अभी यानी कि कुछ रखा हुआ भी ये भी है, चलो आराम से ना या तवी पे या इसी पर तवी पे बना लूँगी, तवे पर सॉरी दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना समझ ही नहीं आ रही क्या करो, बिल्कुल ही शाम का टाइम होने वाला है। माशाल्लाह यहाँ पे जी रुकी सिस्टर ने आलू भी उबाल ली थी, बूंदियाँ भी उबाल ली थी, और जी यहाँ पे जी चाट मसाला सारा। अच्छा जो
दही मैंने की ये बूंदियां सी होती है ना जो मुंह आते हैं। हाँ जी, ये मैंने गर्म पानी में करके ना रख दिए थे, ठीक, ये नरम हो गई थी। अब इसमें मैंने प्याज और टमाटर भी मैंने काट दिए, तो धनिया तो था नहीं, बस मैंने कहा चलो ऐसे ही लाल गुजारा करें। मैंने प्याज काट लिए थे, ठीक है जी। हाँ जी, अब थोड़ी सी मैंने दही जो घंटे की रात में जमाई थी खाने के लिए, सही है, ये डाल देती हूँ, ठीक है। बाजार से मंगवाई हुई, ठीक है जी। ये भी इसमें डाल दिया, चलो जी आप डालो, मैं इनाम को रहती हूँ, इनाम मुझे तंग कर रहा है। ये लेना था, ये बार बार मैंने कहा पेट में खराब हो रहा है, इसका पेट खराब हो रहा है, दही वाला दे दूंगी, दही वाला नुकसान देगा। सही है, ठीक है जी, चलो ठीक है जी, जल्दी जल्दी बना लो। मैंने भी रोटी बनानी, सालन मेरा तकरीबन बन चुका है, रोटी मैंने भी बना ली। अच्छा, रोटी आपने भी बना ली, सही, थोड़ी बनानी थी ना बस रोटी। हाँ जी, हाँ जी, इसके मुंह की तो तबीयत खराब है ना, पेट में दर्द है। अच्छा, पेट में सिर्फ आप ही दे दूंगी। अच्छा, और व्लॉग भी माशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये थी आज की ज़बरदस्त वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। सबके लिए दुआ किया करो, ठीक है, सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए दुआ किया करो।